कुछ पहचान दिखाऊंगा इसकी कि जैसे घर में हमको नहीं पता कि कच्चा है कि पका, ये देखो एक ऐसे उठाना है और ऐसे दबा के देखना, ये अभी टाइट है तो टाइट है, कच्चा है, कच्चा है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे अब चाशनी देख लेते हैं, यहाँ पे दो चाशनी आपको दिखेगी। भैया घर के हिसाब से बताइए कि दो चाशनी कैसे बनानी है। पहली तो यार आपको कलर वाला आप दिखाया, तो ये देखो ये है येलो कलर और ये डार्क वाला, अब आपको दिख रहा होगा डिफरेंस दोनों में, ये देख लो कितना फर्क है दोनों में। भाई ये देख लो, ये है गुलाब जामुन जिसकी रेसिपी आज हम लेने आए हैं दोबारा से विक्रम स्वीट्स में। तो कैसे ये बनते हैं, क्या इसमें माल मसाला डाला जाता है, कितने तरीके की चाशनी इसमें बनाई जाती है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तब बनने जा रहा है गुलाब जामुन। अंकल जी को तो आप पहचानते ही हो, राम कुमार गौर। अंकल आपका नाम गौर है या गौड़ है? गौड़। ठीक है, तो अंकल का नाम है राम कुमार गौड़। हाँ भैया चालू है वीडियो। काफ़ी लोग कमेंट करते हैं ना कि गौर है या गौड़ है, तो वही चीज़ मैं थोड़ा वो कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे गुलाब जामुन बनने जा रहे हैं, ये छेना अंकल जी? हाँ छेना है, डेढ़ किलो। डेढ़ किलो आपका छेना है और ये 3 किलो धाप। 3 किलो धाप। मैं आपको बता दूँ ये दोनों चीज़ आपको डेयरी जहाँ पे पनीर वनीर मिलता है ना वहाँ आपको इजिली मिल जाएगा। छेना बोलना और धाप बोलना, आपको इजिली वहाँ पर मिल जाएगा। दोनों को मिक्स करना है, तो जितना अंकल जितना धाप होगा उसका आधा छेना, उसका आधा आपका एक किलो में आधा किलो आपका रहेगा। यानी कि एक किलो अगर आपका धाप है तो आधा किलो आपका छेना रहेगा। और यार ये ना हर दुकानदार मोस्टली जैसे मतलब ये छोटी शॉप होती है डेयरी वालों से ही लेकर आते हैं ये धाप और छेना, क्योंकि इसको बनाने पर कॉस्टिंग ज़्यादा आ जाती है, तो वो लोग बल्क में बनाते हैं इसलिए इनको थोड़ा वहाँ से सस्ता पड़ता है। तो इसको अच्छे से मिलाना है, बस ऐसी कितनी देर में लगेंगे अंकल? मिल गया, बस मिलाना है ना, बस दोनों को मिलाएंगे। अब मसाला इसके अंदर हम मिलाएंगे। तो अंकल ये 3 किलो धाप और 1.5 किलो छेना से कितने गुलाब जामुन निकल जाएंगे, कितने किलो? 1 किलो में 4 किलो है। 1 किलो में 4 किलो, यानी कि 12 किलो। 12-15 किलो ये बनेगा। तो आप क्वांटिटी जो है अगर आप घर के हिसाब से बना रहे हैं तो कम कम कर दीजिएगा। 1 किलो में 1/2 किलो धाप, 1/2 किलो में 250 ग्राम, सॉरी 1 किलो धाप में 1/2 किलो छेना, अगर 1/2 किलो आपका धाप है तो 250 ग्राम छेना। क्वांटिटी आपको बता दी मैंने, आधी आधी रखनी है आपने। ये जाएगा आपका इलायची पाउडर, 2 चम्मच आपका इलायची पाउडर। ये जाएगा आपका बेकिंग पाउडर है अंकल, ये बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा जो मीठा सोडा होता है वो नहीं है, ये बेकिंग पाउडर है। ये होगा आपका 2 चम्मच अंकल, 2 चम्मच। थोड़ा सा पानी डाल के आपने इसको ऐसे मिलाना है और अच्छे से इसको मिक्स करना है। अब इसकी बनेगी मल्ली, इसको मल्ली कहते हैं, जैसे हम आटा गूंथते हैं तो इसमें इसको मल्ली बोला जाता है। तो अंकल जी इसमें ठंडा तेल डाल रहे हैं, ये देख लो, ये होगा अंकल कम से कम 100 ग्राम तेल तो होगा, 250 ग्राम तेल होगा ये। तो ये 250 ग्राम तेल डाला है अंकल ने, ये तेल डाला क्यों जाता है अंकल जी? चिकनाहट के लिए डाल जाती है, चिकनाहट के लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या डालने वाला है। सूजी डालेंगे, अब डलेगी इसमें सूजी। अंकल ये सूजी बारीक रहेगी मोटी? बारीक, बारीक सूजी रहेगी। ये कितनी जाएगी इसके हिसाब से, 3 किलो के हिसाब से? 1 किलो में 100 ग्राम, 1 किलो में आपका जाएगा 100 ग्राम, यानी कि 1 किलो धाप के हिसाब से 100 ग्राम आपकी सूजी जाएगी। 300 ग्राम, 3 पाव मैदा, 3 पाव आपका जाएगा मैदा, 750 ग्राम आपका मैदा जाएगा इस 3 किलो धाप के हिसाब से। अब अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। ऐसे बीच बीच में हल्का अंकल इसमें पानी डाल रहे हैं, पानी की छींटे मार रहे हैं। अरे पूछ तो लो यार, किसको पूछा? तो ये देख लो यहाँ पे मल्ली लगी अंकल, एक बार दबा के दिखाना, ऐसे इसको करना है। ये देख लो ये आपकी मल्ली आपकी हो चुकी है, बस इस तरीके से आपने इसको बनाना है, गोलियाँ तोड़नी है और इस तरीके से तोड़ते जाना है। तो चलिए अंकल को तोड़ने देते हैं, बाद में इसको दोबारा मल के इसकी गोल गोल गोलियां बनाएंगे। तो यहाँ पे ऐसे गोलियां तोड़ने के बाद आपने एक प्लेट लेनी है, उसमें मैदा छिड़कना है ताकि जब इसकी ऐसे गोली बनाएं तो ये इसमें चिपके ना। तो
तो इस तरीके से प्यार से आपने इसकी गोलियां बनानी है, ज़्यादा जोर से नहीं, अदरवाइज ये टूट जाएगा। क्रैक नहीं होना चाहिए गोलियों में, ये याद रखना, बिल्कुल भी क्रैक नहीं होना चाहिए, अगर क्रैक हुआ तो ये अंदर फट जाएगा। तो चलिए इस तरीके से सारी गोलियां बनाने देते हैं, उसके बाद चलेंगे अपने कढ़ाई की तरफ, वहाँ पे देखते हैं तेल कितना गर्म रखना है और कैसे इसको पकाना है, फिर उसके बाद अपनी चाशनी भी देखेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे देख लो भाई, छोटे वाले भी बना रहे हैं, सेम प्रोसेस है, बस थोड़ा सा उसका साइज़ छोटा कर देना, देन आपके छोटे वाले बन जाएंगे। तो यहाँ पे हमारी सारे गुलाब जामुन की जो रोलियाँ थी, मतलब गोलियाँ, वो आ चुकी है। अब भैया यहाँ पे भैया ने एक गुलाब जामुन इसके अंदर डाला और भैया ने कहा कि तेल ज़्यादा गर्म है, पता कैसे चलेगा वो अभी देखते हैं। पहले दो छोड़ के देखने पड़ेंगे। अब तेल ठीक है, ये ठीक है। इससे पहले भैया ने जब एक डाला था ना, वो काफ़ी ज़्यादा खोल रहा था, यानी कि गर्म था तेल उसके हिसाब से। अब तेल ये ठीक है, थोड़ा ठंडा हो गया है, अब डालेंगे एक साथ सारे डालेंगे। तो भैया डालते वक्त तेल कैसा रखना है? मीडियम, बिल्कुल मीडियम, बिल्कुल मीडियम, मीडियम आँच में ये पकेंगे, बिल्कुल ही मीडियम आपने गर्म रखना है, उसमें आपने इसको डालना है और बिल्कुल ही धीमी आँच में इसको पकाना है। मीडियम आँच में पकेगा ना भैया पूरा, जब तक ऊपर नहीं आ जाएंगे गैस तेज नहीं करेंगे। ठीक है, जब तक ये ऊपर नहीं आ जाएंगे गैस आपको तेज़ नहीं करना, मीडियम आँच पे ये चल रहा है तो अपने आप ही ऊपर आएंगे। अभी इसको अभी तो हिलाना नहीं करना, अपने आप ऊपर आ जाएंगे, अपने आप ये ऊपर आ जाएगा और फिर इसके बाद आपने गैस तेज करनी है। तो चलिए इसे ऊपर आने देते हैं, फिर गैस तेज करेंगे। तो भैया जैसे आपको तो अंदाजा है, कोई नौ सीखिया बंदा है, उसने ठंडे तेल में डाल दिया तो साइड से ऐसे मारेंगे धीरे धीरे, हल्का सा गैस खोल के इसमें साइड में ऐसे मारेंगे। अच्छा ठीक है, अगर आपको लगे कि यार गैस तो मेरा तेल तो ठंडा था, मैंने इसमें डाल दिया। और क्या कहते हैं, ये देखो स्टाइल, इसको ऊपर लाने का ये तरीका है। हाँ जी, ये देखो ऐसे करके से लाना है, जब अगर आप ठंडे में डाल दोगे गलती से, उसके बाद आपने ये करना है। अगर आपने सही तेल में डाला मीडियम आँच में तो अपने आप ही ऊपर आ जाएंगे, देखो अपने आप ऊपर आने लगे धीरे धीरे ऐसे करके। हाँ जी ठीक है, स्टाइल है इसकी। और ज्यादा गर्म आपका तेल होगा तो एक डाल के देख लेना भाई, सारे मत डाल आ जाएंगे तुरंत ही जैसे आप डालोगे ना गर्म, अगर गर्म होगा तेल तो एकदम से ऊपर आ जाएगा, यानी कि तेल बहुत ज्यादा गर्म है। आपने इतना डालना है कि बस वो बिल्कुल भी ठंडा ना लगे, मीडियम रहे, हल्का सा नीचे चले जाए, फिर धीरे धीरे करके वो अपने आप ऊपर आएगा। तेज में डाल देंगे तो इनमें गांठे बन जाएंगी, सब में गांठे बन जाएंगे, लम्स बन जाएंगे और ये सारा खराब हो जाएगा। तो ये देखो ये अपने आप ऊपर आ गए सारे। अब करेंगे भैया गैस तेज, अब करेंगे तेज। अभी और कुछ नीचे है अभी। अच्छा अभी और है इसके नीचे। हाँ जी, अभी सारे ऊपर आने देते हैं, उसके बाद गैस इसमें तेज कर देंगे। बोल दो। चलो ये देख लो भाई, सारे के सारे ऊपर आ गए। अब भैया ने कर दिया गैस बिल्कुल फुल तेज आंच पे, आपने इसको पकाना है। भैया घर पे भी तेज ही करेंगे, घर पे मीडियम में? और क्या है, जैसे ही हल्का ब्राउन हो फिर जीरो कर लेती है। अच्छा ठीक है, तो तेज आंच पे आपने इसको पकाना है। जैसे ही ये ब्राउन होगा, वो कलर मैं आगे आपको दिखाऊंगा, तब आपने बिल्कुल जीरो कर देनी है। हाँ जी, फिर ये जीरो में ही पकेगा। जीरो का कहते हैं, जब तक इसको दाब के देखेंगे इसके अंदर पक गया, फिर तेज कर देंगे। ठीक है, जैसा कलर लाना चाहेंगे वैसे कलर का बनाएंगे। ठीक है। लाल करना लाल और काला काला करना तो काला। तो ठीक है, चलिए इसको तेज आंच में पकने देते हैं। और भैया इसको बीच में भी हिलाएंगे? कुछ नहीं करना अभी कुछ नहीं करना। ठीक है, इसको ऐसे ही पकने देंगे, ये अपने आप कलर इसका ब्राउन हो जाएगा। अभी मैं अपने हिसाब से हिलाऊंगा। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से हिलाओगे, पर लेकिन घर में कोई बंदा हिलाए या ना हिलाए इसको? अभी हिलाऊंगा ना मैं तो करके तक खुल जाएंगे ये। ठीक है, चलिए ठीक है, इसको कलर इसका चेंज होने देते हैं भैया। अब नेक्स्ट स्टेप जो भी करेंगे वो आगे हम देखते रहेंगे, फिलहाल इसको पकने देते हैं। तो भाई 2 मिनट तेज आंच में करने के बाद भैया कह रहे हैं आप इसको हिला सकते हैं, क्योंकि अगर हम शुरू में हिला देंगे ना तो फट जाएगा, सारा खराब हो जाएगा। अब हिला सकते हैं इस कलर का जब हो जाए, तो अब आपने इसको सारा ऐसे करके हिलाना है ताकि वो हर तरफ से पक जाए अच्छे से। 2 मिनट के बाद ही भैया ने इसमें कड़ची मारनी शुरू कर दी है। शुरू में मत करना कड़ची की छेड़खानी, अदरवाइज वो सारा का सारा फट जाएगा। तो भैया अब ऐसे करते रहेंगे कंटिन्यू? हाँ जी, हाँ जी, अब कड़ची चलती रहेगी कंटिन्यू? हाँ, कड़ची चलती रहेगी ताकि एक जैसा कलर रहे सब। ठीक है, अब कड़ची आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी ताकि कलर एक जैसा रहे, और जब ये कलर चेंज करेगा, जिस कलर में ये गैस को बंद करना होगा, कम करना होगा, वो कलर हम आगे देखेंगे। जैसे हमको लाल कलर लगाना है ये हमको, हाँ, तो इसकी स्लो गैस कर देंगे। ठीक है, लाल कलर पाए, अगर काला करना है तो थोड़ा और चलने देंगे। ठीक है, अब जैसे देखो जैसे ये कलर चेंज करता रहेगा, अब इसको जितना पकाते रहोगे वो अपना कलर चेंज कर देगा। ये कम, ठीक है, और जी मेरे को लाल निकालने हैं। ठीक है, अब भैया ने इस कलर में आके भैया ने गैस कर दी बिल्कुल कम, बिल्कुल स्लो कर दिया। अब इसको कितनी देर पकाएंगे भैया इस कलर में, मतलब इस आँच में? अभी टाइम लगेगा धीरे धीरे, क्या कहते हैं, बिल्कुल स्लो गैस कर रखी है, बिल्कुल स्लो गैस कर रही है, बिल्कुल सिम कर रही है। अब इसको पकाना है ताकि अंदर तक जाए, अंदर तक पक जाए, क्योंकि तेज आँच में कुछ भी आप पकाओगे तो वो ऊपर से पकेगा, अंदर से नहीं पकेगा। तो धीमी आँच में इसको पकाना है और कड़ची आपने कंटिन्यू चलाते रहना है।
जब गैस तेज करेंगे वो आगे अब देखते हैं कब कौन से कलर पे कब इसमें गैस तेज करनी है। ये देख लो अभी भी भैया ने गैस बिल्कुल नहीं खोली, सिम पे ही चल रही है और कलर देख लो इसका चेंज होना शुरू हो चुका है और कड़ची कंटिन्यू भैया इसमें चलाए जा रहे हैं। कुछ पहचान दिखाऊंगा इसकी कि जैसे घर में हमको नहीं पता कि कच्चा है कि पका, ये देखो एक ऐसे उठाना है और ऐसे दबा के देखना, ये अभी टाइट है तो टाइट है, कच्चा है, कच्चा है, ठीक है। आप घर पे एक उठा के देखेंगे, अगर टाइट है तो यानी कि कच्चा है, जब ये बिल्कुल ही स्पॉन्जी सा हो जाएगा तो यानी कि ये पक चुका है। तो चलिए इसको धीमी आंच में और पकाते हैं। ये देखो अब ये हमको लग रहा है, ये देखो बिल्कुल पक गया, ये दब गया यानी पूरा डन है। हाँ डन है ये। अब मैं इसको और कलर लाने के लिए क्या करूँगा, इसको गैस तेज करूँगा। ठीक है, अब आपको अगर इस कलर का चाहिए गुलाब जामुन तो आप निकाल देना इसी टाइम पे। हाँ जी। अगर आपको कलर अलग चाहिए और गाढ़ा चाहिए तो आपको इस टाइम पे गैस करनी पड़ेगी तेज, सिर्फ इस कलर के लिए आपको स्लो आंच में पकाना है। इसके बाद आपको इसका और डार्क रेड करना है, इसके बाद अगर काला करना है तो आपको गैस तेज करनी पड़ेगी। तो भैया आप कौन सा कलर वाला निकाल रहे हो? मैं लाल कलर का निकालूंगा, ये येलो, ये थोड़ा हल्का सा येलो है, इसके बाद लाल होगा ये कलर, उसके लिए आपको गैस तेज करनी पड़ेगी। इस कलर का अगर आपको चाहिए तो आपको बिल्कुल, देखो मैं दो निकाल के दिखाता हूँ इस कलर के। ठीक है, यहाँ पे अभी आपको निकाल के दिखा रहे हैं, फिर जब ये और डार्क होगा तब कंपेयर करेंगे कलर में। तो अब मैंने आपको बता दिया इस कलर का चाहिए तो ये इनफ है, यहीं तक आपको गैस बंद कर देनी थी, आपका डन था। अगर अगर आपको और दूसरा कलर चाहिए गाढ़ा वाला लाल तो गैस तेज करके आप पकाना है इसको। तो लो भाई, भैया ने कर दिया गैस बंद, ये वाला कलर आ चुका है। तो अब ये भैया डन है? हाँ जी डन है, बिल्कुल डन है। अब ये रेडी है चाशनी में जाने के लिए। अब चाशनी का मैं आपको मेजरमेंट बताता हूँ, चाशनी कैसे इसकी रखनी है। तो भाई यहाँ पे अब चाशनी देख लेते हैं, यहाँ पे दो चाशनी आपको दिखेगी। भैया घर के हिसाब से बताइए कि दो चाशनी कैसे बनानी है। पहली एक किलो चीनी में एक एक पानी वाली बनेगी, वो 500 ग्राम चीनी लेगी, 500 ग्राम वाली। हाँ, एक किलो में 500 ग्राम पानी, 500 मतलब 500 ml आपका पानी जाएगा एक किलो चीनी में, वो एक अलग बनेगी। उसके बाद जब तक उबाल आएगा तब तक ही बनानी है। और एक बनेगी 400 ग्राम पानी वाली, मतलब एक किलो में 400 ग्राम आपका मतलब पानी, यानी कि 400 ml आपका पानी। तो दो आपके हो जाएंगे घर के हिसाब से, फिर से आपको समझा देता हूँ। दो चाशनी बनेगी एक एक किलो की अलग अलग, एक में 400 ग्राम पानी जाएगा, एक में 500 ग्राम पानी जाएगा, यानी कि 500 ml और 400 ml। सबसे पहले 500 वाले में जाएगी, गुलाब जामुन डालेंगे। ठीक है, सबसे पहले जाएगा 500 ml वाले में, जिसमें ज़्यादा पानी है, मतलब जिसकी चाशनी थोड़ी ज़्यादा पतली है, सबसे पहले उसमें, सबसे पहले उसमें जाएगा। तो भैया इसका इसके पीछे का कारण क्या होता है? इसमें क्या है, पतली है जो जल्दी पी लेगी ये। ठीक है, अगर नहीं पिएगी तो क्या कहते हैं, फिर क्या कहते हैं, पिचक जाएगी या गांठ बन जाएगी। ठीक है, तो पिचक जाएगी, गांठ बन जाएगी, जिसकी वजह से पहले पतली में डालना पड़ता है। ये देख लो आप, और आपको छेड़ना नहीं, अपने आप ही ये नीचे डूब जाएगा और ये पूरा चाशनी पकड़ लेगी। जब पी लेगी फिर इसमें डाला जाएगा। ठीक है, जब ये हो जाएगा देन उसके बाद आपको इसमें पलटना। ये कितना टाइम ले लेगी भैया? बस 5 मिनट। 5 मिनट, तो 5 मिनट में आपका ये फिर डन, फिर देन इसमें पलटना, फिर इसी में छोड़ देना, फिर आपकी जब भी आपको खाना हो तब आप खा सकते हो। तो यार आपको कलर वाला आप दिखाता हूँ, ये देखो ये है येलो कलर और ये डार्क वाला। अब आपको दिख रहा होगा डिफरेंस दोनों में, ये देख लो कितना फ़र्क है दोनों में। तो हमारे गुलाब जामुन को 5 मिनट हो चुके हैं पतली वाली चाशनी में, जिसमें 500 ml पानी था एक किलो चीनी में, वो हम डाल रहे हैं 400 ml वाले पानी में, यानी कि एक किलो चीनी में 400 ml पानी था उस वाले में डाल रहे हैं। देन ये आपका बन के रेडी, एंड देन सेम चीज़ भी इसमें भी करेंगे। हाँ जी, सेम चीज़ आपके छोटे वाले पे भी करेंगे। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।